नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पोलपीडिया। मैं हूं योगेश मिश्रा। हम आज बात करेंगे दुर्ग संसदीय लोकसभा सीट के बारे में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक और लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। दुर्ग सीट पर मैं उसका राजनीतिक समीकरण बताऊं, राजनीतिक पार्टियों का स्टेटस आपको बताता हूं। दुर्ग सीट पर सर्वाधिक 33 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। कांग्रेस अभी सत्ता में है छत्तीसगढ़ में। भाजपा का दुर्ग में खाता खुला 1996 में और उसने लगातार इस सीट पर फिर 18 वर्ष राज किया। दुर्ग सीट 3 वर्ष के लिए भारतीय लोकदल और 2 वर्ष के लिए जनता दल के कब्जे में रही। अगर आम चुनाव 2014 आम चुनाव के बारे में बात करूं कि क्या परिणाम रहा दुर्ग सीट का, दुर्ग सीट पर 2014 में, तो पिछले चुनाव में 2014 में दुर्ग से 26 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 11 निर्दलीय थे। 2014 में कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे को केवल 16,848 वोटों से हराया था। भाजपा का तिलिस्म भी टूटा, 18 साल का पूरा विनिंग स्ट्रीक पर रोक लगा। कांग्रेस ने दुर्ग सीट पर वापसी की 2014 में, या वह साल था जब नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है और बहुमत की सरकार बनती है। उस समय दुर्ग की सीट भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार गई। ताम्रध्वज साहू को पिछले वर्ष पिछले लोकसभा चुनाव में 5,70,687 वोट मिले, जबकि सरोज पांडे को 5,53,839 वोट प्राप्त हुए। 2014 में कांग्रेस को 45.3% का कांग्रेस का वोट शेयर रहा। भाजपा का वोट शेयर 44.01% रहा, जबकि निर्दलीय सहित अन्य सभी दलों का जो वोट शेयर था वह था 51.28%। 5 साल पहले दुर्ग लोकसभा सीट में कुल मतदाता थे 18,58,922, 51.05% पुरुष और 48.94% महिला वोटर थे। 2014 में दुर्ग में 67.74% मतदान हुआ। कुल मतदाता थे 12,59,142। कुल पोलिंग स्टेशन दुर्ग लोकसभा सीट में थे 1933। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, दुर्ग लोकसभा सीट सामान्य सीट है। दुर्ग लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं, पाटन, भिलाई नगर, साजा, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, वैशाली नगर, बेमेतरा, अहिवारा और नवागढ़। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के 9 में से 8 सीटों में जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाटन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में जो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वे हार गए थे। दुर्ग से वो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद साहू ने उन्हें 61,468 मतों से पराजित कर दिया था। 2009 में भूपेश बघेल को भारतीय जनता पार्टी के रमेश बैस ने पराजित किया था। तब वे चुनाव लड़े थे रायपुर लोकसभा सीट से, तब उन्हें 57,901 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस सरकार के 11 में से 4 मंत्री वर्तमान में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, इसीलिए आम चुनाव में इस सीट पर सत्ता पक्ष की एक प्रकार से कहें तो प्रतिष्ठा दांव में लगी होगी। दुर्ग सांसद ताम्रध्वज साहू को हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेमेतरा विधानसभा सीट से उतारा था। वर्तमान में ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, यानी कि नंबर 2 पोजीशन पर ताम्रध्वज साहू अभी विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे ने 2009 में दुर्ग से जीत दर्ज की थी और उनके नाम एक ही समय में सांसद, विधायक और मेयर होने का रिकॉर्ड था। यह पूरा का पूरा रिकॉर्ड के बारे में जानकारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर के पास भी भेजा गया था। कहा जाता है कि 2014 में यदि सरोज पांडे नहीं हारती तो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर ही अलग होती, लेकिन 2014 में उन्हें हराने के लिए
उनके ही दल यानी कि भाजपा से कुछ वरिष्ठ नेताओं ने महती भूमिका निभाई। आप ध्यान रखें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे वे भी उनका भी सरोज पांडे के साथ 36 का आंकड़ा रहा है यह कहा जाता है। 2014 में यदि सरोज पांडे दुरुस्त से जीत जाती तो छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होती, लेकिन कहीं सरोज पांडे के अपनों ने उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उनके साथ छल किया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अभी सरोज पांडे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में महासचिव हैं और काफी स्ट्रांग पोजीशन रखती हैं राष्ट्रीय स्तर पर और छत्तीसगढ़ में भी उनकी भूमिका अहम है। आज इतना ही, नमस्कार।